हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी खातून ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ गई हूँ। आज जल्दी उठ गई क्योंकि आज बहन को कॉलेज छोड़ना, उसका एंट्रेंस का एग्जाम है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ, अकेली रहूँगी तो कम से कम आप लोग से बातें ही कर लूँगी। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं आज का मौसम भी बहुत अजीब सा है, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा मौसम है। इस मौसम में ना घूमने का मजा ही अलग है, मतलब निकल जाओ घूमने के लिए बाइक पर, जो धीमी 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 बारिश होती है मजा आ जाता है। मैं तो गई नहीं हूँ कभी, इंशाल्लाह कभी जाऊंगी। चलिए दिखा रही हूँ मैं ना, मैं भाई के लिए अपने पराठा बना रही, क्योंकि उसको जाना भी है, ऑफिस जाना है, तो फिर मैं उसके लिए पराठा बनाई। मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ, आधा से ज्यादा तो बन गए हैं। फिर मुझे याद आया कि मैं ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सुंदर सुंदर से पराठे। दिस माय पराठा। तो मैं थोड़ा सा चीला बना ले रही हूँ आटा, बस चीनी वाला चीला, मीठा चीला बना ले रही हूँ, खाकर जाऊंगी थोड़ा एनर्जी मिलेगा। सुबह से पराठा नहीं खिलाता बल्कि ये खिला जाता है, इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स एकदम पतला घोल बना लेना है। तो घोल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे रखिएगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, तो ये ठीक है। अब बना मैंने तावा में डाल दिया है, हम इसको ऐसे ऐसे पका लेंगे। एकदम नीचे से लगाना है चम्मच क्योंकि ताकि जले ना। दिस रेडी फॉर, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे, कभी बना के खाइए। और ये रहे मेरे पराठे, ज्यादा नहीं है, बस 3-4 है बस। और ये चीला है, ये है आटे का चीला, बहुत टेस्टी, कभी बना के खाना, ट्राई करना। चीज की कमी थी, बस ये भी शुरू हो गई बारिश की, बारिश की शुरू हो गई, मौसम कितना अच्छा है, ये देखिए बारिश हो रही है। एक बार पूरा नजारा दिखा देते हैं हम आपको, ये देखिए। अरे बरसना है तो जमकर बरसना, डरा क्यों रहा है, मैं कैसे जाऊंगी एग्जाम पे। चलिए मंजन कर लेते हैं, मैं ना करा चुकी है, मैं मंजन कर रही हूँ, मंजन कर लेते हैं। बहन, ओ बहन, नहा कर कैसा लग रहा है सवेरे? बड़ी ठंडी लग रही है, सुबह नहाए हैं और इतना गर्मी भी नहीं, 5 बजे। oh चलिए मैं तो अब नहाऊंगी नहीं, बारिश हो रही है, एक बारिश हो रही है, अब जा रही हूँ पैर हाथ धोकर कपड़े बदल लूंगी, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको लिए बारिश में भीग रही है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और यार मुझे भी सपोर्ट करो, मुझे भी आपकी फैमिली बनना है यार, आप लोग मेरी फैमिली हो, मुझे भी आपकी फैमिली बनना है। आइए देखिए मैं बारिश में भीग कर वीडियो बना रही हूँ, देख सकते हैं। चलिए नहा लेते हैं, मजाक करी, मैं नहा कर आपसे मिलती हूँ मंजन मंजन करके। हाय, तेज बारिश हो रहा है, ये देखिए इतना तेज तेज बारिश हो रहा है, मैं कैसे जाऊंगी मेरा डॉगी। तो ये देखिए बेचारे जानवर परेशान हो जाते हैं बारिश में, जानवर के लिए जो मेहनत करता है उनके लिए बारिश अच्छा नहीं है। ये देखिए अब बारिश रुकता है तो जाएंगे। हो चुकी हूँ, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैंने जींस टॉप पहना है और मेरी बहन का बैग लिया है, वो गई है पगड़ी थोड़ी आ रही है। तो मौसम भी साफ हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग,
ये पीछे मेरा घर है और ये मेरी बहन आ रही है और हम हेलो गाइस जा रही हूँ ट्रक एग्जाम देने। चलो जल्दी दे लो। अब हम लोग चल रहे हैं, अब देखते हैं क्या मिलता, रिक्शा मिलेगा कि टेम्पू मिलेगा। बहुत दूर, पहले कभी गया ही नहीं। निकलने वाले, ये मेरे घर की गली है, सामने दम लगा है सब्जी मंडी, तो चलते। बहुत डर लग रहा है, पहली बार जा रही हूँ वो भी अकेले इसको लेकर, बहुत दूर है पापा मो, तो चलते हैं बाय बाय, फिर मिलते हैं रास्ते में। सोच रही हूँ कब आए, पर आ ही नहीं रहा है। मेरा दिमाग बहुत खराब है, फिर भी थोड़ा बहुत अपने आप को निहार लूँ, थोड़ा सवार लूँ तो अपने आप को देख रही हूँ मोबाइल में कि अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। हाँ बस आ जाए जल्दी, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच गए, ये रामबाग का पुल है, यहीं से जाएंगे। इसमें ही इतना टाइम है, देखने में बहुत अच्छा लगता है ये ना, बहुत अच्छा कलर है, प्यारा कलर है। हम लोग पहुंचने वाले बस 10 मिनट में ये हम लोग पहुंच गए। यही कॉलेज है फाफा मऊ आईटी मैनेजमेंट, यहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम है। मेरी बहन अंदर जा रही है, मैंने कहा तुम अंदर जाओ, तो हम लोग अंदर जा के देख रहे हैं कि कैसा कॉलेज है ये, कैसा खंडर सा कॉलेज है। तो फिर मैं देख रही हूँ कि कैसा क्या है यहाँ पर, तो फिर ज़्यादा कोई आया ही नहीं है। यहाँ के फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये है ऊपर बैंक, नीचे बैंक है, ऊपर कॉलेज, यहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और मैंने कहा अपनी बहन से लो मेरा, जल्दी आने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है। अभी एक घंटे और वेट करना है तब तक एग्ज़ाम होगा। बेचारी हम लोग परेशान हो गए, तो फोटो ही खींच लेगा इस कम से। तो हम लोग सोचे थोड़ा फोटो या रील वगैरह बना ले, तो वही फोटो खींच रहे हैं। मेरी नहीं खींच रही, मेरी खींचो भाई, जो आओ बैठो बैठो वहाँ बैठो आओ आगे। बैठ कर मेरी हालत टाइट हो गई, कब से मैं वेट करूँ, 10 बजे से मैं वेट कर रही हूँ, बैठी हूँ। मुझे नींद भी आ रही है, मुझे भूख भी लगा है, पर क्या करूँ, जल्दी से हो एग्ज़ाम। तो सोच रही हूँ यार अब उतर जा, अब तो हो जाएगा एग्ज़ाम। सबके मम्मी पापा भी बैठे हैं, सब लाइन से उधर उधर बैठे हैं। धूप बहुत हो गई, सुबह तब बारिश हुआ, शाम दोपहर में इतना कस। तो गाइस अभी छुट्टी हुआ है और हम लोग पैदल चल रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा, टेम्पो नहीं मिला, रिक्शा नहीं मिला। जहाँ तक पैदल हो सकता है चलेंगे, जहाँ तक पैदल होगा वहाँ तक चलेंगे। वैसे तो देख सकते आप सड़क कैसा फील हो रहा है तुमको आज पेपर में, बहुत थका थका बैठते बैठते तो मेरी हालत खराब हो गई, बहुत बुरा हालत है मेरा। घर जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे तभी एनर्जी आएगा। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, खूब मजा आया आज घूमकर, बहुत मजा आया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, जब भी आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट मी कि कैसा था ब्लॉग या नहीं था। प्लीज यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लो यार, देख सब लेते हैं, बस सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। 90 लोग सिर्फ देखते ही है, सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, लोगों का नजरिया देखना पड़ता है, लोग की नज़र देखना पड़ता है, शर्म बहुत आती है, फिर भी बनाते हैं, आप लोग के लिए बनाते हैं कि आप लोग देखो, आप लोग इंजॉय करो, आप लोग हंसो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रानी खातून ब्लॉग, बाय बाय।